प्यारे बच्चों, कल हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं? योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। आज हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। हम ने पिछली कक्षा में पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाना अच्छी तरह से सीख लिया है, लेकिन पूर्णांकों में और परिमेय संख्याओं में थोड़ा सा अंतर यह है कि दो पूर्णांकों के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अनगिनत कैसे? अब मान लो यदि मैं यहां शून्य ले रहा हूं और यहां एक, इसके अंतर्गत ये जो आपको छोटी सी दूरी दिखाई दे रही है ना, इसको भी विस्तारित रूप से हम पूरा खोल सकते हैं और कितना ही बड़ा बना सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अनगिनत, जिनको हम गिन ही नहीं सकते, उतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। इवन दो पूर्णांकों को छोटे, दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। वो हम आगे सीखेंगे कि किस प्रकार हमें निकालना है। पहले आज का हमारा टॉपिक है कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। मान लिया कि हमें 5/7 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। 5/7, अंश क्या है इसका? 5, हर कितना है? 7। हमें हमेशा पहले तो चिन्ह पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इसका चिन्ह क्या है संख्या का? पॉजिटिव, धनात्मक। धनात्मक है तो हमेशा इस साइड आएगा, दाई साइड, ये ध्यान रखना। ऋणात्मक है तो इस साइड आएगा। यदि धनात्मक इस साइड आएगा तो हम शून्य थोड़ा इधर से शुरू कर लें, क्योंकि हमें ऋणात्मक जो इधर संख्या लेनी है उनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो चलती जाएंगी आगे जो जो भी होगा। हमें 5/7 से मतलब है। अब 5/7 को दर्शाने के लिए सबसे पहले मैं नीचे वाले अंक पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा, हर पर। हर कितना है हमारा? हर है 7। तो 0 से धन की तरफ उधर दाएं साइड 7 कदम मैं चलूंगा। देखो 0 को काउंट नहीं करना, उससे अगला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पे मेरे पास एक आ गया, पॉजिटिव एक। उसके बाद यदि मैं आगे जाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया पॉजिटिव 2। मतलब जितना हर है उतने पॉइंट के बराबर हमने क्या करना है? एक लेना है। आगे भी उतने ही पॉइंट के बराबर 2 लेना है। मतलब अब हमारे पास 0 से 1 ही हो गया और इतनी संख्याएं और हमारे बीच में बढ़ गई है। अब 1 से 2 इतना हो गया और इतनी संख्याएं इन दोनों पूर्णांकों के बीच में भी बढ़ गई है। ये प्रिमेय संख्या भी है, 1/1, वो 2/2, 1, ये प्रिमेय संख्या भी है। अब जब हमने हर के बराबर 1 ले लिया तो उसके बाद हमने अंश देखना है। अंश कितना है? 5। फिर यहीं से गिनना शुरू करना है। शुरू करें 0 के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आ गया ना, तो ये जो अंक है ये है हमारा 5/7। और देखें दूसरा, इसमें मैं 7 7 का ही हमने पॉइंट लगाया तो 7 का एक और लेता हूं, 9/7, 9/7। अब 9/7 को लेने के लिए हर है मेरे पास, क्या है हर? 7 है, तो 7 के बराबर मैंने पहले एक पॉइंट ले रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बराबर 1 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बराबर फिर 2 है। आगे मुझे और बढ़ना होता तो फिर 7 पॉइंट के बाद 3 आता। अब अंश देखना है, अंश मेरे पास कितना है? अंश है 9। अब 9 पॉइंट मैं फिर यहीं से गिनूंगा, आगे से नहीं गिनना है, हमेशा शून्य से लगना है और शून्य को छोड़ के उससे अगले पॉइंट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हमारे पास 9/7 आएगा, 9/7 है। अब ये तो थी हमारे पास पॉजिटिव। एक दो और देख लेते हैं इससे संबंधित। मैं यदि लेता हूं 8/3, अब ये मैंने देखा साइन क्या है इसका? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो धन उस तरफ आएगा, उस तरफ आएगा तो फिर शून्य हमने कहीं यहीं से शुरू करनी है। इधर से शून्य शुरू कर देते हैं, इधर से कर सकते हैं, बीच से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि धन की तरफ मुझे, परली तरफ ये संख्या दर्शानी है तो उधर मुझे थोड़ा स्थान मिल जाएगा। हर इसका कितना है? 3। तो अब की बार 3 के बराबर 1, 2, 3, ये मेरे पास क्या आ गया? 1। फिर 1, 2, 3, ये मेरे पास कितना हो गया? 2।
फिर एक दो तीन ये मेरे पास कितना हो गया तीन, फिर एक दो तीन ये मेरे पास कितना आ गया चार। संख्या उसी प्रकार हर के अनुपात में चलती रहेंगी, जितना हर है उतने उतने पॉइंट के बाद हमारे पास पूर्णांक आते रहेंगे। अब यहां से फिर मुझे ऊपर वाली संख्या देखनी है कितनी आठ, फिर यही से शुरू करना है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। अब मेरे पास ये आया है वो पॉइंट आठ बटे तीन। और प्यारे बच्चे को ध्यान रखना है ये संख्या रेखा आपको पेंसिल और फूटे से बनानी है, स्केल से जिसको हम पैमाना बोलते हैं, पैमाने से पूरी सीधी रेखा खींचनी है और एक एक सेंटीमीटर के बराबर ये पॉइंट काटने हैं आपको एक लगाने हैं तभी ये संख्या रेखा बनानी है। ऐसे नहीं भी पेन के साथ बना दी तो उबड़ खाबड़ हमें यही नहीं पता लगेगा कि ये, कई बार बच्चे ऐसे बना देते हैं एक पॉइंट बड़ा बना दिया एक छोटा बना दिया तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए आप स्केल के साथ एक एक सेंटीमीटर नाप के ही ये संख्या रेखा बनाएं। चलो एक आध उदाहरण और ले लेते हैं। माइनस दो बटे छ या पांच, नेगेटिव दो बटे पांच। अब नेगेटिव है तो जैसा कि मैंने कहा था नेगेटिव है तो इस तरफ आएगा, अब इस तरफ आएगा बाई तरफ तो हमें शून्य किधर तक चाहिए, शून्य अब हमें इधर चाहिए। कोई भी एक पॉइंट को लेके आप उसको क्या कर सकते हैं शून्य बना सकते हैं क्योंकि अब हमारी संख्या इधर आएगी शून्य से इधर, शून्य से बाई तरफ, बाई तरफ नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव इधर आएगी। करना वही है कि हर ही देखना है, हर कितना है पांच। अब की बार इधर चलेंगे एक दो तीन, देखो शून्य से शुरू करना है, शून्य को नहीं लेना उससे अलावा एक दो तीन चार पांच, ये क्या हो गया नेगेटिव एक। अब नेगेटिव है ना इधर तो नेगेटिव ही लेंगे, फिर एक दो तीन चार पांच, ये क्या हो गया नेगेटिव दो। जब तक आप नेगेटिव एक नहीं दर्शाएंगे या दो नहीं दर्शाएंगे तब तक ये सवाल आपका मान्य नहीं होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा भाई कितने अंकों के बराबर आपने एक पूरा पूर्णांक लिया है, वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। तो जहां तक भी हम जाएं, अब मुझे कहां तक जाना है चलो मैं गिनी लेता हूं, दो एक दो, ये दो यहां पे आया है तो नेगेटिव दो बटे पांच। हमेशा जीरो से ही गिनना शुरू करना है, हम चाहे धन की तरफ जाएं चाहे ऋण की तरफ जाएं, हमेशा जीरो से ही हमें गिनना शुरू करना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अब ये देखो यदि मैं यहां तक ले लेता हूं और मुझे निकालना था नेगेटिव आठ बटे पांच, अब मैंने यहां तक इसको ले लिया और पांच के बराबर तो मैंने नेगेटिव एक ले लिया लेकिन नेगेटिव दो नहीं दिखाया, जबकि आठ को यदि हम गिनेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ मेरा यहां पर आ रहा है नेगेटिव आठ बटे पांच। अब मुझे यह नहीं पता है कि मेरा नेगेटिव दो कहां है तो वहां पर आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए आपको यदि जहां तक हमारी संख्या हो वहां तक, मैं इसलिए कह रहा हूं दो या तीन तक तो आप लिख दिया करें, हमारा नेगेटिव दो ये था, यदि ये लिखा रहेगा तो नेगेटिव एक नेगेटिव दो और इसके बीच में हमारे पास ये संख्या है माइनस आठ बटे पांच, नेगेटिव आठ बटे पांच। तो इस प्रकार इसको दर्शाना है। एक और उदाहरण हम इसका ले लेंगे और उसके कुछ प्रश्न आज के लिए आपको करने हैं, एक और ले लेते हैं। नौ बटे दो, अब नेगेटिव साइन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे बीच में हो, मैंने बता भी रखा है, इसको हम नेगेटिव नौ बटे दो भी बोल सकते हैं, इसको हम नेगेटिव नौ बटे दो भी बोल सकते हैं, तीनों संख्या को भी ये बात एक ही है। अब हर इसका देखना है हमें, हर कितना है दो और नेगेटिव संख्या है तो बाई तरफ ही आएगी, बाई तरफ आएगी तो इधर से शून्य शुरू कर देते हैं हम। अब एक दो, दो के बराबर नेगेटिव एक, एक दो, दो के बराबर नेगेटिव दो, एक दो फिर इसके बराबर नेगेटिव तीन, एक दो इसके बराबर नेगेटिव चार, एक दो इसके बराबर नेगेटिव पांच, एक दो इसके बराबर नेगेटिव छह, उसी प्रकार चलते रहेंगे। मैंने इतने लंबे इसलिए लिए हैं क्योंकि नौ अंक है वो काफी पीछे जाके आएगा, नीचे वाला में नेगेटिव नौ नहीं लेना है हमें, ये तो हर के बराबर हमने दो दो पॉइंट काटे हैं। अब नौ फिर वही गिनना शुरू करेंगे, जीरो को छोड़ देंगे, उससे अगला एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, यहां पे आया मेरा नौ तो नेगेटिव नौ बटे दो, ये मेरी मेरा परिणाम है, ये मेरा आंसर है जो सही है। मैं वही बात आपको बोल रहा था कि इसको पेंसिल और रूलर के साथ ही बनाएं, साफ साफ बनाएं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी। जो हमारे पास बीच में अंक ले रहे हैं जैसे मैंने लिए थे पॉइंट काटे थे छोटे छोटे काटने हैं,
जो पूर्णांक आएंगे उनको थोड़ा सा बड़ा करते रहेंगे, और जो हमारे पास सही आंसर हमें निकालना है उसको थोड़ा सा लंबा करके और ऊपर आंसर लिख देंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आज के लिए आपका गृह कार्य ये है, इसको कीजिए।